जी से ऑन करो, अंशु जी बाबू ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ठीक, देखो आपको हम कल कल क्या पढ़ाए थे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हर एक मीडियम का क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाबू, है ना बाबू, जैसे बाबू जब भी बाबू रे ऑफ लाइट वो मीडियम चेंज करेगा, आपको कल प्रैक्टिकल करके दिखाए थे ना, है ना, मान लो हवा से बाबू कहाँ रे ऑफ लाइट जा रहा है ग्लास में, तो अपना रास्ता क्या कर देता है, बेंड कर देता है ना, तो कितना बेंड करेगा वो उसकी जानकारी हमको किससे पता चलेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कल प्रिज्म से करके दिखाए थे, सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे ना। ठीक है, नारायण ऑन करो जी, ठीक समय बाबू ऑन कीजिए, अंशु जी से ऑन करो नहीं तो रिमूव कर देंगे, है ना, तो वही रिफ्रैक्ट, तो हर एक मीडियम में बाबू क्या होगा, हर एक मीडियम में जो रे ऑफ लाइट का बेंडिंग होगा कैपेसिटी होगा वो अलग अलग, पानी में थोड़ा ज्यादा बेंड कर सकता है, ग्लास में थोड़ा और उससे ज्यादा करेगा, डायमंड में हो सकता है थोड़ा और ज्यादा करे, है ना, तो जो बेंडिंग फिनोमेनन है रे ऑफ लाइट का वो है ना वो क्या है सबका अलग अलग होगा, है ना, तो इसलिए हर एक मीडियम का क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अलग अलग होगा, हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अलग अलग होगा। निकालेंगे कैसे सर, तो आपको बताए थे जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, हम लोग क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे, मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बाबू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का हिंदी में मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अपर ये अपवर्तनांक कुछ करता है इसे करके, स्पीड ऑफ लाइट किसमें बाबू वैक्यूम में, किसी मीडियम का निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ बाबू वैक्यूम में, कहाँ वैक्यूम में, वैक्यूम में है ना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में निकालना उस मीडियम में, है ना, जिस मीडियम में निकालना उस मीडियम में स्पीड का लाइट, है ना, तो इस तरह से हम लोग हर एक मीडियम का क्या निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है एब्सोल्यूट होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव बताए थे, अंशु जी ऑन करो जी नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, ठीक, वीडियो बंद करके खाली कॉमेडी करते रहता है, ठीक, तो इसी से रिलेटेड बाबू आपको क्या यहाँ पे कुछ कुछ ये टेबल दिया इसको याद रखना, इसको अभी हम आपको बताएंगे बाबू, है ना, जब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम बताएंगे ना तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना 1.003 नियरली कितना मानता है 1 के बराबर मानता है ना आपका बाबू, ये आइस का याद रखना 1.31, आपका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, और बाबू किरोसिन ऑयल का उतना याद, देखो ग्लास का याद रखो है ना, पानी का याद रखो, डायमंड का याद रखो, है ना, और ये किरोसिन ऑयल का नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मटेरियल का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ कुछ मटेरियल का क्या है रिफ्रैक्टिव, डायमंड में सबसे ज्यादा है ना 2.42 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना 2.42 है ना, ग्लास का कितना 1.5 है ना, ये आपको याद रखना, ये क्या करना आपको याद रखना है ना, याद रखना, ठीक, तो ये मटेरियल का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। आगे बाबू कल आपको पढ़ाए थे बाबू, है ना, कुछ कुछ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताए थे, तो उसी से रिलेटेड क्या कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना, आसान आसान सा न्यूमेरिकल है ना, आसान आसान सा क्या है न्यूमेरिकल है, ठीक ठीक, इस न्यूमेरिकल को आपको है ना थोड़ा सा समझना, कुछ नहीं कर रहा, जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे बाबू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे बोला है ना, है ना, कादू को बता देते बाकी बनाना है, ठीक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे बाबू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम आपको क्या बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे बाबू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मान लो एन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे इंडिकेट करेंगे एन से है ना, एन से, ठीक, तो क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यही करेंगे बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकालना उसका होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कहाँ बाबू वैक्यूम में, कहाँ वैक्यूम में डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में निकालना उस मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम का निकालना, स्पीड ऑफ लाइट पानी में निकालना तो पानी में स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में निकालना तो ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ बाबू इन मीडियम है ना, इन मीडियम, तो मेरा क्या निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा किसी मीडियम का एन निकल जाएगा, ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालिए सर, कौन से मीडियम, मीडियम नहीं के नाम बताया है ना, कुछ होगा हवा ग्लास पानी कुछ वगैरह होगा है ना, कुछ कुछ होगा, लेकिन वहां दिया हुआ जो इस मीडियम का निकालना उस मीडियम में लाइट का स्पीड दे ले है, स्पीड का लाइट दे ले 2.5 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड, कोई मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ हो सकता है ना बाबू, है ना, हम लोग हर एक मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट संभव नहीं ना याद करना, तो हम लोग क्या निकालेंगे बाबू यहाँ से इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो आपको कल बताया था बाबू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू है ना स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, आपको बताए थे 3 × 10⁻¹⁸ कितना 8 मीटर पर सेकंड, यही बताए थे ना, और जिस मीडियम का निकालना उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना दे ले बाबू 2.5 दिया हुआ × 10⁻⁸ मीटर, ऊपर भी मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी क्या है मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर पर सेकंड मर गया, ये 10⁻⁸ मर गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम हो जाएगा 3 / कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में लाओ है ना, कैसे लाओगे डेसिमल में, डेसिमल हटाओ पर इसको कैसे लिख सकते हो 30/25 करोगे डेसिमल हटाओगे तो, तो 5 से काटोगे मरेगा कितना बार में, 5 से मारो 6 बार में, 5 से मारो 5 बार में,
सिक्स बटा फाइव हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना हो गया, एनएम कितना हो गया बाबू मेरे, जो एनएम हो गया कितना हो गया, सिक्स बटा फाइव हो गया। डेसिमल में निकालोगे तो वन पॉइंट और पांच दुनी दस टू हो जाएगा। तो यही मीडियम का क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हुआ। लिखो अनुज सहित ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो। श्रुति भोली, श्रुति सर आप एन लिखते ना तो लगता है कि एच लिख। अच्छा ठीक है, एन लिखते हैं, एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया। ए श्रुति ऑन कीजिए बाबू, ए नारायण वीडियो का बंद है जी, नारायण बाबू नारायण ऑन करो ना भोला। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह बाबू, अगला क्वेश्चन भी यही है सर। भाट इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, डाल तो क्या कर देना, थ्री मल्टीप्लाई थ्री बट थ्री इंटू टेन डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन फाइव कर देना, है ना। तो ये तो वैसे बाबू, इसको मैं कुछ करना नहीं है, है ना, इसको मैं कुछ नहीं करना है ना, ये वैसे बाबू, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लिखो अगला, बताते इरेज करते सबको, तो बताते हैं जल्दी से। लिखो अगला उसी तरह से बाबू, कुछ नहीं करना, थ्री बटा टू पॉइंट सेवन फाइव कर देना, तीस से तीन सौ बटा दो सौ पच्चीस हो जाएगा, दो सौ पचहत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक टर्म पढ़ाए थे, ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कौन सा है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। आपको एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर बाबू वैक्यूम नहीं दिया हो रहेगा बाबू, है ना, कहेगा ग्लास से कहाँ जा रहा है बाबू, है ना, ग्लास से पानी में जा रहे हो फ्लाइट, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए उसको क्या बताए थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे, है ना, रिलेटिव बताए थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यही कह रहा भोला मेरा, भोली है ना, समझना मन से। इफ द बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3, 4 बटा 3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज बाबू 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का दिया 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का दिया 3/2। तो कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकालो, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। किसका कह रहा है, शांति समझना। शैतान प्रधान का वीडियो बंद है जी, प्रधान ऑन करो जी। सब शैतान वीडियो बंद करके खाली ऑन पे लगा रहा है। अभी क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। खाली ग्लास कहेगा, ये जो दिया हुआ बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3/2 किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अभी आपको कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का निकालने के, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने कह रहा है, आपको फाइंड आउट करने क्या कह रहा है बाबू, दिया हुआ क्या है, शांति से समझना, दिया हुआ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, NW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ 3/2 दिया हुआ है ना। आपको निकालने क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या निकालने कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्ट किसके रिस्पेक्ट में, वाटर NgW निकालने कह रहा है, ये निकालने कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो उसी तरह करना, कुछ नहीं करना बाबू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में कहोगे, देखो यहाँ पे समझने वाला बात है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर क्या लिखना, वाटर लिखना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट क्या करना, ग्लास करना, शांति से समझो। अगर यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पहले जो आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, अब बाद वाला ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का रहा,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर भट बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, वाटर ठीक है ना। ठीक सर, तो ये उल्टा स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा क्यों जाएगा? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा हो जाता है, जिसका ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना, कम होता। ये क्या बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बाबू? ग्लास है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर बराबर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है सर 3/2, वाटर का दिया हुआ है सर 4/3, वाटर का कितना दिया हुआ है सर 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 उछल के ऊपर चल जाएगा, 3 उछल के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चाहे आंसर जी, ऑन करो जी, शैतान सर ब्लर दिख रहा। तो मम्मी को बैठाइए बगल में, ब्लर दिख रहा है तो मम्मी को बैठाइए, शैतान की तो ब्लर दिखता सर, मम्मी बगल में ही बैठ। 3/2, 4/3, 3 उछल के ऊपर चल जाएगा, तो 3 × 3 और 2 × 4, 3 × 3 कितना? 9/8। तो यही निकल गया आपका NGW निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 आ जाएगा। तो इसमें 4 को ऑप्शन देगा है ना बब्बू, 9/8 देगा, फिर ये आपस में कैंसिल आउट करके दे देगा, 2×2 = 4 कट जाएगा, 3×3 कट जाएगा, 1/2 देगा, 2 देगा, ऐसे करके 4 को ऑप्शन घुमाते रहेगा। नारायण ऑन करो ना जी, नारायण बाबू, ए शिवानी बोले, शिवानी सो गई? यस सर। अच्छी बात है, कितना दिन रहने का प्लान है सर? 18 को रात में जाएंगे यहाँ से। बड़ी लंबा है बाबू, जल्दी लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे तो यहाँ ग्लास है तो ऊपर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर। अगर स्पीड ऑफ लाइट होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर लिखता डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास करता है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अंशु जी शैतान, मम्मी जी बगले में बाबू, अंशुजीत यस सर, आप बात करवा दो, आपके बात के विश्वास है बाबू, आप तो हमको भी झूठ ठहरा देते। हेलो सर, नहीं तो फिर झूठ क्या बोलते हो जी? सही कान है, खाली झूठा एकदम सर, मम्मी बगल में है सर, बगल में बैठे तो बोलेगी नहीं बाबू। हेलो, अभी आए सर? अभी आए तो आप बोल रहा है कि मम्मी मेरे बगल में शुरू से बैठे हुई है सर। जब आप वीडियो ऑन करने बोल रहे ना सर, तब मम्मी बगल में बैठी थी। अच्छा, ऑन कीजिए सर, ऑन ही। हाँ, आप पे विश्वास है बाबू। नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन आप हो गई, एगो शाम को मिष्टी बाबा धाम है, ये सब नए पढ़ने का बहाना खोजता। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन आपको कल बताया था बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, कल आपको एक कंसेप्ट लिखाया था, उसी कंसेप्ट को यूज करना है ना। कल आपको क्या बताया था बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला मेरा, कल एक बात बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कल बताए थे ना ये वाला बात है ना। इसी बात को अगले क्वेश्चन में क्या करना है? यूज करना है ना, इसी बात को क्या करना है? यूज करना है। देखो क्या करा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको समझना क्या करा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कितना दिया? 4/3 दिया हुआ, 4/3 क्या दिया? 3 दिया है ना, 3 दिया। तो क्या करा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उलट के पूछ रहा,
क्या दिले बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, है ना, 4/3 दिन। तो आपको पूछना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कल आपको बोले थे भोला, इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या करोगे, है ना, अरे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर क्या करोगे, 1/(n)(1) करोगे। तो 1/(NaW) है, तो इसको क्या करोगे, 1/(NwA) करोगे, यही करोगे ना, इसके सिवा करोगे क्या, इसके सिवा तो आप कुछ करना नहीं है, है ना। तो जो पीछे कंसेप्ट पढ़ाए उसी को यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर व्हाट बाबू, 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो NaW बराबर 1/(NwA) के वैल्यू कितना दिले, 4/3 दिले, ये मोटा वाला लाइन है, तो 3 उछल के ऊपर चला जाएगा, NaW बराबर 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ये क्या है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये सब में कुछ है बाबू, खाली डराने के लिए ये सब दे दिया जाता है, कि थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, सॉल्व करते चलना। ये आनंद कहाँ गया जी, फिर जिंदगी जी रहा आनंद, बैठ के पढ़ेगा बाबू कि पापा जी फोन करें, आनंद शैतानी सो के पढ़ता है जी, बैठो ये आनंद बाबू टेबल चेयर पे बैठ के पढ़िए जी। आगे अब समझना है, इसके पापा जी अभी फोन करते हैं शैतान, इसको आदत हो गया बैठ के पढ़ने का। कहाँ गया, कैमरा डाउन करो आनंद, हे आनंद बाबू कैमरा डाउन कीजिए, आनंद नहीं सुनता ना। ए शर्मा कहाँ बाबू, शर्मा जी। हाँ सर यहीं पे बैठा लू सर। हाँ तो थोड़ा कैमरा नीचे करो ना सर, रख के पढ़ता हूँ ना सर, पूरा फिर फोन का ऊपर मुंडी लाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। अरे तो मोबाइल को ऐसे कहीं 20-30 रुपए में तो ट्राइपॉड मिलता है, ऐसे करके रखो ना जी, आप चेयर टेबल पे बैठो तो इसका कैमरा आराम से दिख जाएगा, सारे बच्चे देखो सपना का दिख रहा, सबका तो दिखता ही बाबू, आपका स्पेशल मोबाइल है का जी, ऐसे करके रखता होगा, ऐसे रखो ठीक है ना, ऐसे मत रखो, जितने रखोगे तो छते ना दिखेगा। सर देखिए आप जो पढ़ा रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ बस, हो तो गया सर, और क्या चाहिए आपको। कैसे नहीं चाहिए, कैमरा थोड़ा ये करो, टिल्ट करो, चित्ते मत रखो, नहीं तो 20-30 रुपए में स्टैंड मिलता, नहीं तो जुगाड़ करके स्टैंड बना लेना। नेक्स्ट आप समझना, तो ये क्या था भाव, कुछ कुछ क्वेश्चन था है ना, जो आप लोग के एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक। आगे बाबू जैसे आपको पढ़ाए थे बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे ना बाबू, वहां पे इंसिडेंट रे है ना बाबू, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन चैप्टर में बाबू है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर में बाबू है ना, ना बताया था, इधर मान लो प्लेन मिरर है भोला भोली, इधर से रे ऑफ लाइट आया तो इधर गया ठीक, इधर से नॉर्मल है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये आर होगा, ऑलवेज क्या होगा इक्वल होगा, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है ना बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारा का सारा नॉर्मल है ना, सारा का सारा क्या करता है एक लाइन पे लाई करता है, ये लॉ ऑफ क्या था रिफ्लेक्शन था। आगे इसी से बाबू लॉ ऑफ क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, क्या पढ़ना है रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसको समझना है ना, ये और आसान है, इसमें जो वहां पे बाबू है ना था उसी के जैसा, थोड़ा सा खाली अंतर है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता बाबू, उसी तरह से बाबू इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे है ना बाबू, जो भी नॉर्मल है सारा का सारा क्या करेगा एक प्लेन पे लाई करेगा है ना, मतलब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे बाबू, इसका अगर डायग्राम बनाएंगे बोला है ना, डायग्राम तो यहाँ पे जगह नहीं था, मान लो मेरे पास क्या है एक ग्लास का स्लैब है, कल दिखाया था आपको ग्लास का स्लैब, इस तरह से क्या है ग्लास का स्लैब है कि नहीं, ग्लास का टुकड़ा हो गया कि ना, ग्लास स्लैब जैसे आइस होता उसी तरह से, इधर से टॉर्च ऑन करो तो
इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक आएगा रे ऑफ लाइट। अब जहां से सरफेस सेपरेट हो रहा है यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन बनाओ, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का क्या बनाओ, एक लाइन बनाओ, ठीक। अब मीडियम चेंज हो गया, इंसिडेंट रे का क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, एयर से कहाँ आ रहा है, शीशा में आ रहा है, तो अपने अगर ये शीशा नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन सीधा आ गया तो है ना, वो शीशा आ गया तो आपको कल बताया था वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, क्या होगा, बेंड कर जाएगा। अगर सीधा नहीं रह शीशा नहीं रहता बहुत ही क्या जाता, पौधा सीधा जाता है ना, लेकिन शीशा आ गया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा है ना। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या नॉर्मल है, सारे का सारे क्या करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे ना, तो वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल है ना टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर सेम प्लेन आर लाइन बाबू सेम प्लेन। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। टेढ़ा कैसे हो गया सर, टेढ़ा, ये इतना कूटेंगे ना शैतान, खाली कॉमेडी करने में लगा, ये सीधा है बाबू, इसको कहता इंसिडेंट रे टेढ़ा कैसे हो गया, खाली इसको ना कॉमेडी सर। अच्छा ठीक है सीधा कर देते हैं, कहता इंसिडेंट रे टेढ़ा कैसे हो गया, ठीक अब तो सीधा है, तो इधर ये डॉटेड हो जाएगा, ठीक यहाँ से क्या हो गया, इधर से सीधा और इधर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इधर निकलेगा, रे ऑफ लाइट है बाबू बेंड हो जाता है, क्योंकि लाइट का स्पीड मीडियम में क्या होता है, चेंज हो जाता, जिसके कारण क्या होता है, बेंड हो जाता, क्या हो जाता है, बेंड हो जाता। तो ये कौन सा रे है, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे हो गया, ये कौन सा रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, नॉर्मल है, जो हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े हैं। तो सारे के सारे क्या करेगा, एक प्लेन पे लाई करेगा, यही मेरा क्या कहता, फर्स्ट लॉ कहता, ये मेरा क्या कहता, फर्स्ट लॉ कहता है। सुबह शैतान ऑन करो जी, सेकेंड लॉ समझना, सेकेंड लॉ मेरा जो है बाबू वही मेरा क्या, स्नेल्स लॉ है, सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये क्या कहता बाबू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको आई से इंडिकेट करेंगे, और ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसको क्या करेंगे, आर से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड ला समझना, सेकेंड ला मेरा क्या कहता है वो है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन एंगल, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका भी साइन एंगल है ना, दोनों का रेशियो निकालोगे हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब इस बात को पहले समझो, इस बात को पहले समझो, उसके बाद लिखना जी, मतलब क्या बाबू, जो एंगल साइन के साथ जो है ना बाबू, जो एंगल है उसका साइन एंगल ले लो, मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री, और जो रिफ्रैक्टेड है उसका साइन एंगल ले लो, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका कहने का मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझो है ना, मतलब इसका ये समझो बाबू कि अगर मान लो नीचे ग्लास है, पहले समझना उसके बाद अब लिखना, इधर से ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, मान लो ये 30 डिग्री पे आया, ठीक है ना, ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, समझना यहाँ पे, ये 40 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ से साइन 30 साइन 40 का वैल्यू निकालोगे, शांति समझो जी, साइन 30 धर्मवीर बाबू समझो बाबू, साइन 30 अपॉन साइन 40 वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, साइन 30 का वैल्यू साइन 40 का पुट करके कुछ आएगा है ना। नेक्स्ट अभी क्या करो, रे ऑफ एंगल को क्या करो, चेंज कर दो, मतलब ये इंसिडेंट एंगल 30 पे था है ना बाबू, ये इंसिडेंट रे कितना था, 30 पे था भोला, अभी फिर से ग्लास स्लैब लो, अभी इंसिडेंट रे मान लो बढ़ा देते, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते, ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लेते अगर ये 60 कर देते हो है ना बाबू, और ये कितना हो गया, मान लो बाबू ये हो गया 50 हो गया, ठीक। तो अब इस केस में बाबू, इस केस में इसने ये इस केस में बाबू ये लाओ साइन आई बाई साइन आर, इस केस में लगाओ बाबू साइन 60 बटा साइन 50, शांति सुनना है ना, मतलब बाबू ये एंगल जितना भी लो है ना,
एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेगा, चेंज होगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगा। एक चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझना है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगा। कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा, है ना, जो एंगल आ रहा उसका साइन ले लो और जो एंगल जा रहा है रिफ्रैक्टिव उसका साइन ले लो। ये दोनों एंगल का है ना, वो साइन का एंगल का रेशियो निकालोगे तो ये दोनों में जिसको सोल्व करोगे जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। मान लो इसका वैल्यू सोल्व करने के बाद वो कुछ आ जाता, अगर 1. मान लो 2 आ जाता तो इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.2 ये आएगा। फिर मान लो एंगल और चेंज कर दो, हमको मन कर रहा है सर एंगल और चेंज करने का, है ना, ये नॉर्मल हो गया। अभी मान लेते हैं एंगल इस तरह से कर देते है ना, ये मान लो 20 डिग्री कर देते हो, एगो मान लो 30 डिग्री कर देते हो, है ना, तो यहाँ से भी वैल्यू निकालोगे साइन 20 बटा साइन 30, है ना, तो जो इसका वैल्यू आएगा रेशियो का, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन एंगल के साथ अगर रेशियो निकालते हैं तो हर एक केस में क्या आता है, सेम आता है, बदलता नहीं है। साइन आई बाई साइन और कहेंगे तो हर एक केस में क्या आएगा, सेम आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा, है ना, बदलेगा नहीं। तो जो चीज नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो यही स्नेल्स लॉ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ कहते हैं। इसी को किस में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, किस में लिखा गया, इंग्लिश में। कौन है जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। देख थोड़ा देर बाद में बात कीजिएगा, अभी क्लास ले रहे हैं। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन एंगल, साइन कॉस टाइम बताया ना जी, इतनी साथ शुरू में त्रिकोण तो पढ़े हुए। तो ये जो साइन आई बाई साइन आ रहा था ये हमेशा क्या आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा, है ना, फिक्स आएगा, कभी नहीं बदलेगा। एंगल को आप ऐसे इंसिडेंट करवाओ चाहे ऐसे करवाओ चाहे ऐसे करवाओ, जैसे जैसे ये चेंज होगा ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका जो रेशियो लगो हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा, क्या आएगा, फिक्स आएगा, है ना। तो यही जो फिक्स वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं ना, कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो अगर मान लो बाबू ये मीडियम क्या है, ये एयर है, तो इधर अगर मान लेते भोला मीडियम 1 ले लेते इसको, ये मीडियम क्या हो गया, 1 हो गया, आई ग्लास क्या हो जाएगा, मीडियम 2 हो जाएगा, ये ग्लास क्या हो जाएगा, ये मीडियम 2 हो गया। समझना शांति से सर, मान लीजिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 डिग्री होगा तब भी सेम आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ सारे वैल्यू के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा सारे वैल्यू के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स होगा। लेकिन कब जब मीडियम चेंज नहीं करोगे तब, अगर मान लो बाबू इस मीडियम पे जैसे ये हवा से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो इसका साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। अगर मान लो हवा से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, मान लो इसमें पानी ले लो, इसमें क्या ले लो, पानी ले लो, है ना। तो इसका अगर पानी लो ले लो बाबू, तो ये क्या कहें, हवा से पानी जा रहा है, तो ये हवा से पानी वाला का क्या होगा, ये अदर मीडियम हो गया बाबू, ये अदर पेयर ऑफ मीडियम हो गया, ये दूसरे टाइप का मीडियम हो गया, है ना। तो एक टाइप के मीडियम के लिए यही, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया क्या, ए पेयर ऑफ मीडिया, है ना। एक टाइप के मीडिया के लिए साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। ऐसा नहीं बाबू, है ना, कि इस मीडियम के साइन आई बाई साइन आर और इस मीडियम के लिए साइन आई बाई साइन आर, है ना, फिक्स नहीं होगा। क्योंकि ये पानी है, यहाँ गिलास है, ये गिलास है, ये पानी है, तो मान लो गिलास है, तो हवा से अगर गिलास में जा रहा है तो इसका किसी भी एंगल पर साइन आई बाई साइन आर निकालो, है ना, हमेशा क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा। पानी वाला के लिए क्या आएगा, सिर्फ पानी वाला के निकालो तो इसका क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सेम आएगा, है ना, है ना। ये दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, है ना, हवा से ग्लास वाला, ये हाँ एक ही मीडियम, एक ही टाइप का मीडियम, हाँ मीडियम चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मीडियम अगर चेंज, यहाँ मैंने ये मान लो ग्लास वाला, हवा से ग्लास वाला, तो इसका कुछ आ जाएगा, और हवा से पानी वाला में जाओगे तो उसका कुछ आएगा। एक टाइप के मीडियम के लिए आपका ये हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, है ना, कॉन्स्टेंट होगा, है ना। और यही जो कॉन्स्टेंट होता इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, है ना, क्या क्या लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, मतलब क्या बाबू, डायग्राम बनाना,
साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक। बराबर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बराबर यही जो होता है वो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है यही मीडियम का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेकेंड में जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन इंटू वन हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना। ये क्या है बाबू एन टू वन क्या है, अच्छा लिखते हैं नेक्स्ट, साइन आई बाई साइन आर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू को क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ऐसे करोगे ना। मान लो मीडियम वन है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं एन वन मान लेते हैं, ठीक। ये मीडियम टू है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं एन टू मान लेते हैं, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बराबर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, है ना। नेक्स्ट वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एन वन साइन आई बराबर कितना हो जाएगा एन टू साइन आर हो जाएगा, तो ये याद रखना। वेयर बाबू क्या है बाबू, सर लिखिए सर डायग्राम बना, हाँ डायग्राम बनाएगा नीता। वेयर बाबू जो एन टू वन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको समझना है, यही समझ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मीडियम वन के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन वन, हाँ एन वन मान लिया, मीडियम वन का है ना हवा है ना जी, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वन होगा है ना, तो उसको एन वन मान लिया। ग्लास है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अभी लिखा है ना जी, तो उस वैल्यू को मान लो एन टू मान लो, यहाँ कुछ हो रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, एन टू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है, एन वन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन है, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। श्रुति जिंदगी जी रहे भोली, अनुज बाबू इसको दावा खिलाना अनुज को बहुत जरूरी हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। श्रुति सो गई, इसको याद रख, इसको लिखो, अब इस पे क्वेश्चन वगैरह आप लोग को करना है, थोड़ा सा और इसमें पॉइंट लिखाना है। श्रुति सो गई जी, जो कांस्टेंट, हाँ बोले द कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पे आया बाबू, वीडियो का बंद है बाबू, द कांस्टेंट वैल्यू सर, तो ये साइन आई बाई साइन आर को साइन आर को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ म्यू से चाहे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, म्यू लिखो चाहे एन लिखो, तो आप लोग का टेंथ में तो एन लिखो, 11, 12 में जाओगे तो वहां म्यू लिखा जाएगा, ठीक है ना। द कांस्टेंट वैल्यू बाबू 11, 12 में भी लाइट पढ़ाता है सर, हाँ जी यही चीज पढ़ना, द कांस्टेंट वैल्यू बाबू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मैक्सिमम बच्चा को समझ में ना आता वो, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, स्कूल में हम खुद पढ़ाए तो बहुत सारा को ना समझ में आया। नेक्स्ट बाबू द सेकेंड लॉ
द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ बहुत सारे बुक में बाबू ऐसे भी लिखल रहेगा है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से नहीं इंडिकेट करेगा, कैसे करेगा, एन वन एंगल ऑफ इसको थीटा वन कर लेगा, तो डरना नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा वन मान लेगा और क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को थीटा टू मान लेगा. तो एन वन थीटा वन बराबर एन टू थीटा वन थीटा टू, ये भी हो सकता. मतलब जिस मीडियम का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका साइन का एंगल है ना, दोनों मल्टीप्लाई कर दो बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका साइन का एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा. तो एन मन आई लिखो चाहे थीटा मन लिखो, अपना अपना बुक वाला राइटर का मन होता है ना, है ना. ये ना कि थीटा रहेगा तो डर जाना, आई की जगह ही थीटा है, ठीक है ना, डरना नहीं है. नेक्स्ट बाबू, इफ ए रे बाबू फॉल बाबू नॉर्मली फॉल्स बाबू नॉर्मली या परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बता धर्मवीर, नॉर्मल गिरेगा तो कैसे जाएगा जी. धर्मवीर क्या बोला, रिट्रेस कर लेंगे, नॉर्मल गिरेगा तो रिटर्न हो जाएगा. ये तो कुटाई है खोज रहा था. तो अगर रे ऑफ लाइट को ग्लास फूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना, हाथ पर तोड़ के बेंड कर देंगे, सीधा निकल जाएगा सीधा. इट गोज, इट गोज बाबू सेकेंड मीडियम. अगर रे ऑफ लाइट को बाबू ग्लास स्लैब पे नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हो, इट गोज सेकेंड मीडियम बाबू सीधा निकल जाएगा सर, थोड़ा भी बेंड नहीं होगा, ऐसे ही निकल जाएगा. इट गोज इनटू सेकेंड मीडियम, बताते हैं, इट गोज इनटू सेकेंड मीडियम विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, डेविएट नहीं करेगा. मतलब क्या सर, अगर नॉर्मली गिराओगे भोला मेरा तो रिट्रेस करेगा, कुटाई वाला काम पूछता. मान लो ग्लास स्लैब है, यहाँ से रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल आया तो नॉर्मल आएगा तो ये सीधे क्या होगा, पार हो जाएगा, कहीं बेंड नहीं होगा. अगर तिरछा करोगे तब बेंड होगा, नॉर्मल आएगा सीधे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा. करके दिखा देंगे, कौन सा बड़ा बात है. नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो, कौन भागा जी, नहीं जहां जो आज कोई भागा बाबू बिना 2:15 के पहले तो बहुत कूटेंगे आप लोग का. पढ़ो देखो इसको समझाते हैं. चूहा से परेशान है, अभी चीटी से परेशान है, पूरा लैपटॉप में चीटी भर गया, कहीं ना ताड़ उड़ नहीं काट दे. मैं चीनी नहीं जी, लैपटॉप में खाली चीटी भरा हुआ है, पता नहीं कैसे भर जाता चला जाता. कैसे अंडा लगाता ना लैपटॉप, हवा चलता ना इसलिए. नारायण थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी, नारायण 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 बाबू, उसको तो लगता है बाजे बाजे नहीं जाता है. अरे हमारा ये कहाँ गया, शर्मा जी कहने गया ना, ये शर्मा यहाँ पे है. लिखो शर्मा,
ईशांत बोला, ईशांत बाबू। यस सर। शैतान फोन करते तो उठाता का नहीं, जो कल 3-4 बार कॉल कर रहे थे, करते तो कम से कम उठा, 3-4 को पेरेंट्स नहीं उठा रहे। कुदर सलोनी के पापा जी हैं। चलो लिखो जल्दी से। एक क्वेश्चन है, इसको कौन बना के दिखाता है स्नेल सिला पे? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। लिख ली बोली सोम्या, ऐसा पीछे क्या देख रही सोम्या? चलो ठीक है, देखो स्नेल सिला कुछ नहीं कहता बाबू, स्नेल सिला कुछ नहीं कहता। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इस दोनों का कौन सा साइन एंगल ले लेना। अरे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ा है ना बाबू, तीन तरह के टी रेशियो होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉस सेक और सेक होता है ना, तो उसी में कहा गया वो जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों का रेशियो निकालो, हमेशा क्या आएगा फिक्स वैल्यू आएगा, कभी नहीं बदलेगा। आप एंगल 30 डिग्री पे इंसिडेंट करवाओ, 40 पे करवाओ, 50 पे करवाओ, है ना, जैसे जैसे आपका इधर बढ़ाओगे है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा चेंज होगा। आई दोनों का जब रेशियो करके निकालोगे तो हमेशा एक के वैल्यू आएगा, है ना, एक मीडियम के लिए एक वैल्यू आएगा ना, तो यही जो फिक्स वैल्यू आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जहां से बाबू ये रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम है ना, मतलब कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां जा, इंसिडेंट रे कहां जा रहा है, दूसरा मीडियम में जा रहा ना, किस मीडियम में जा रहा, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे पहुंचा उस मीडियम का पहले लिखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू कहां जा रहा, इसमें जा रहा, तो मीडियम टू का किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम वन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एन टू वन को कैसे लिखोगे, N21 को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के टर्म में लिखोगे तो वही लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर भाट बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रहेगा N21 को, अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखना, स्पीड ऑफ लाइट कहां पे मीडियम 1 में डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना, तो मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे N21 को तो क्या लिखना, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे करके लिखना है ना, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो कुछ नहीं कहता, यही N2 अपॉन N1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो N1 sin I हो गया, इसको इधर कर दो तो N2 sin R हो गया, है ना। मतलब क्या बोलूं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन एंगल के साथ रिफ्रैक्शन लो, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कभी कभी आप लोग बुक पढ़े हुए तो आई नहीं देखे यहाँ क्या देता है, थीटा देता है, आई नहीं देखे वो थीटा 1 मान लेगा, एगो को थीटा 2 मान लेगा, तो हमारा डरेंगे, हम पहले डरेंगे पहले, थीटा 1 है तो N1 sin 1 थीटा 1 हो जाएगा, N2 sin थीटा 2 हो जाएगा, जो मानना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। किसी को राम रहीम मानना तो राम रहीम मानो, है ना। तो वेरिएबल से हमको टेंशन नहीं लेना, वेरिएबल आपको कुछ हो ले सकता है ना, वेरिएबल से डरना नहीं है ना, ठीक। तो वही है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इस केस के लिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यही है बाबू, जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स ला कहते हैं ना, यही है जो मेरा साइन आई बाई साइन आर मेरा क्या स्नेल्स ला है ना, बहुत फेमस है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता बाबू, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू परपेंडिकुलर, लेजर लाइट बाबू परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट करवा रहे हो, है ना, तो ये सीधे पार हो जाएगा। जैसे बाबू मिरर में क्या कहते थे कि परपेंडिकुलर, मिरर में बाबू अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाते थे तो इस पाथ को रिट्रेस करता था, मिरर में रिट्रेस करता था, लेकिन ये बाबू है ना रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में बाबू यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो सीधे पार हो जाएगा बिना डिविएशन के, बिना डिविएट किए बाबू है ना सीधा, जैसे यहाँ पे आया ना जी, तो यहाँ पे आया तो डिविएट कर दिया, क्योंकि एंगल क्या बाबू कुछ एंगल बना के आ रहा, अगर इसी को एकदम सीधा गिराओगे तो क्या होगा, नॉर्मल पे इंसिडेंट गिराओगे तो नॉर्मल से क्या होगा, पार हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। वो भागा कौन, अभी इसको फोन करते हैं, अभी इससे रिलेटेड 3-4 को LKG का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी बनाओ, तो लिखते हैं बाबू। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, और ये रेयर मीडियम पढ़ेंगे, डेंसर मीडियम पढ़ेंगे, है ना, रे ऑफ लाइट कैसे बेंड करता है,
रेयर से डेंसर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है, कैसे बेंड करेगा, उसके बाद लेंस वगैरह है, लेंस फार्मूला है। एक आध दिन आप लोग हाथ पर बैठ के पढ़ो तो सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन है भोला, जल्दी से बनाते चलो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू। ये वो भागा कौन पहले इसका हिसाब किताब। शुभ है, श्रुति भाग, श्रुति तो है ही, तीन चार, तीन को है, ज्यादा नहीं है, जल्दी से बनाओ तो बाबू। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बने तो चलो, देखो ऊपर इतना स्पेस क्यों छोड़ा, आप ऊपर से लिखो ठीक है ना। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एज कितना दिया हुआ 60 डिग्री, एंड बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, एल के जी वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 30 साइन 60 का भाई लो, आप लोग को याद करवाया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। अगर आपको शर्ट पे लिखा थोड़ा सा दिख रहे ना, आपको थोड़ा शर्ट दिख, इसीलिए बैठे हैं ठीक है ना, ज्यादा तेज मत बनो ठीक है ना, इसीलिए बैठे। बोर्ड थोड़ा देखिए ना सर, थोड़ा सा पीछे मुड़ जाइए। हाँ तो इसीलिए बाबू नीचे करके लिख रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, 30 डिग्री। उठने से क्या हो जाएगा सर, फाइंड द, उठने से थोड़ा सा, हाँ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये सब जितना लाइन छोड़ना है जितना में बनेगा बनाओ अपना। नेक्स्ट बाबू इसको बनाओ जी, सब हम ही बनाएंगे। अ रे ऑफ लाइट मना बाबू शर्मा गंभीर सर, मतलब साइन का वैल्यू निकाल के उसको पुट करना पड़ेगा ना सर। अल्लाह अभी ना बताए बाबू सर, आप बताए तो एक बार कंफर्म कर रहा हूँ आपसे सर। एरिया ऑफ लाइट बाबू इंसिडेंट बाबू ऑन ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब बाबू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 5/4, पाई में कितना डिग्री होता है सपना बोलिए सर। ये तो सर तो रेडिकल वाला वैल्यू है ना सर, ये तो नहीं पता। पाई में कितना डिग्री होता है, 1 पाई में बाबू, पाई में कितना डिग्री होता है, पाई का रेडियन में वैल्यू होता है 3.14, यहाँ डिग्री कह रहा 5/4, तो पाई में कितना डिग्री होता है सर, नहीं पता सर, आप तो पढ़ाएंगे। 180 देन द वैल्यू ऑफ कितना होता बाबू धर्मवीर, 180 देन द वैल्यू ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पाई इक्वल टू होता 180 डिग्री होता है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो वो रेडियन में होता, डिग्री में कहेगा पाई का वैल्यू कई डिग्री, तो 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब आसान आसान चीज है, खाली आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेगा सबसे तेज हो जाएगा। लिख देते बाबू, गिवन ये सब दिया हुआ नहीं रहेगा, याद रखना पाई बराबर 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री आपको याद रखना है। वो भागा कौन बाबू, जल्दी करो, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब आसान आसान है बाबू। अगला क्वेश्चन, ये सब दोनों करो जल्दी से ठीक है ना, अगला बताते हैं, अगला हम खुद बताते हैं, ये दोनों करो कम से कम आसान आसान है, कुछ नहीं करना। अ पैरेलल साइडेड प्लेट ऑफ ग्लास बनाओ सपना, एगो संजना भागी बाबू, कौन एगो भागी, संजना है, श्रुति, श्रुति है, शुभ है, शिवानी है, धर्मवीर है, अंशुजीत, सौम्या भागी, शैतान, सौम्या भागी, अभी उसके पापा ही फोन करते हैं।
ये पैरेलल साइडेड ऑफ वो ग्लास प्लेट आई बीइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 1.6 is in contact with दो को बनाओ अगला हम बताते हैं इज इन कॉन्टैक्ट विथ अगला बताएंगे तभी बनेंगे विथ द सरफेस ऑफ वाटर इन ए टैंक आज अरे शिवानी दिख रहा बाबू है शिवानी सर थोड़ा बहुत नया घर में नहीं रहता नेटवर्क जी नो सर कोई घर में नहीं बाबू तो वो गेम कैसे खेल लेता सर छत पे रहेगा तो लेकिन अभी धूप में कैसे जाए छत पे छत पे रूम नहीं है नो सर रे कमिंग फ्रॉम अबव छत पे रूम नहीं लेकिन छत पे थोड़ा सा ये फूस उसका रूम तो रहता बाबू ताकि आदमी बैठे आएगा सर दोनों क्वेश्चन का कितना आंसर आया सर मेरा तो सर 2√3/2 आया इसका सर कितना 3/2 आएगा सर जो पहला क्वेश्चन दिया है उसका आंसर 2√3/2 आ रहा है डेसिमल में सॉल्व कर रहा है ना सर 1.7302 करके सॉल्व कर जल्दी से सॉल्व कर वो किसका कितना आंसर आता देखते किसका सही पहले आंसर के लिए अपना अपना आंसर बोला अभी बता देंगे तो ये वो बोला है √3 √3 मैं √3 हां एक का √3 अपना बोला धर्म भी संजना बोलो बाबू ईशांत जल्दी बोलो बोला यहाँ कलर चेंज कर देते हैं सर पहला वाला का √3 आएगा क्या एवो का √3 दूसरा बोलो जी ये दोनों जल्दी से बनाओ दूसरा का √2/3 √2/3 एवो का √2/3 मेरा 1/3 आ रहा है एवो का 1/3 आया नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन शेयर कर देते हैं सारा फैसिलिटी अवेलेबल है
सौम्या फोन किया, जल्दी बनाओ बाबू, जब तक बनाओगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सौम्या शैतान क्लास लीव कर गई ना, इसके पापा जी फोन कर देंगे। पूरा क्वेश्चन लिखी ना थी सर वाला। हाँ इसको लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू, इसमें थोड़ा सा एक लाइन और लिखना है। द नॉर्मल टू द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास, व्हाट डज दिस this ray, what does this ray jaldi kijiye ji, makes with the normal, likho jaldi se samjhate hain, kitna hai Dharmveer dusra ka, Shruti babu kitna hai ji, duiya bachcha bola babu, बोलो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझाते हैं, कहाँ गया धर्मवीर, धर्मवीर कितना है जी दूसरा का, शैतान बोला नहीं बना, लिखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रधान कितना है बाबू, प्रधान yes. दूसरा का कितना है, धर्मवीर पढ़ता नहीं है, खाली अस्कति आता है, इसको भी दावा खिलाना पड़ेगा। जल्दी लिखे थर्ड नंबर क्वेश्चन, अनुज भोला कितना है बाबू, खाली आसान क्वेश्चन में कहता, हम बताएं सर अखनी जो सिटी पिटी गोल कैले, कितना है अनुज, तो पहले का रूट थ्री ऐसा दूसरे का बना रहा हूँ, जल्दी करो। ईशांत भोला ईशांत yes, कितना है बाबू, आया कि नहीं आया सर, मेरा सेकंड का से 2.12 आ रहा है, 1.52 1.52 नहीं सर, मेरा 1.2.12 आ रहा है, गलत है सर, क्या आंसर आएगा, जल्दी करो, चलो हम लोग समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक है, नॉर्मल टू द टॉप सर्फेस ऑफ द ग्लास, व्हाट डज दिस रे मेक्स विद द नॉर्मल इन द वाटर, व्हाट डज दिस रे मेक्स विद द नॉर्मल इन वाटर, लिख ली शिवानी सर, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखने दीजिए, लिखो लास्ट, जल्दी लिखो फिर बताते तीनों। लैपटॉप को लगता है धूप में डालना पड़ेगा, बहुत चीटी भरा हुआ है भाई, हद से ज्यादा चीटी देखेगा लैपटॉप में, आया पढ़ने के लिए सर, चीटी पढ़ने आता है, आज ये लैपटॉप में भरा हुआ अंदर, पता नहीं क्या करने, कुछ तो मोटो होगा, बिना मोटो के तो आता नहीं, कुछ तो इसका उद्देश्य जरूर होगा पढ़ने के लिए सर, धूप में जाकर रख देते हैं, जल्दी करो, लैपटॉप खराब नहीं होगा सर, बैटरी निकल बोल क्या रहा है सर, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊपर क्या है, ग्लास है, ग्लास के नीचे क्या है, पानी है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या निकालने का रहा, व्हाट डज दिस रे मेक्स बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने का रहा पानी के साथ में, लिखो ना समझाते हैं, आपको 4 मार्क्स चाहे 3 मार्क्स में यही सब पूछेगा, ये सब तो 1 मार्क्स में पूछेगा, लिख ले धर्मवीर,
शैतान। यस चलो ठीक है, इसके इसको बंद करते हैं ना। चलो समझो अब आगे इसमें थोड़ा सा और है बाबू, है ना। इसमें यह है बाबू, व्हाट डज दिस रे मेक्स बाबू, मेक्स ऑफ विद द नॉर्मल इन द वाटर। इसमें क्वेश्चन और है एक लाइन, उसको लिखते हैं अभी। पहले ही दोनों देखो, ये तो आसान है बाबू, इसमें क्या करना है जी। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, इफेक्टिव इंडेक्स निकालने का रहा। तो आपको बताया था बाबू, जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है वही क्या होता है, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। मीडियम 1-2 नहीं कर रहा तो नहीं रखा रहा है ना, जो साइन वो कॉन्स्टेंट वैल्यू वही मेरा क्या कहता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहा तो होता है ना। दूसरा का आंसर √2/3 आएगा, दूसरे वाले का आंसर √2/3। क्या है, साइन 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, आई बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, बताए थे √3/2 होगा, इसको सॉल्व करो। साइन 60 का वैल्यू कितना रखोगे, √3/2 रखोगे, यही रखोगे ना जी। साइन 60 का जो वैल्यू होगा भोला, √3/2 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, नहीं याद आता टी शर्ट वाला, देखो 1/2 कितना होता है, 2 होता है, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। 2 मर गया, अरे 1/2 है, 2 मरेगा ना, तो रिफ्रैक्टिव, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, √3 है। चलना अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी से करो इसको सर। कौन भागा जी, जहाँ जो है वो सर फिर से ब्लर हो गया सर। चलो हुआ सही, अरे ब्लर कहाँ, ब्लर हो ले सपना, ऐसा तो कोई इशू है नहीं बाबू, उसका नेटवर्क वेटवर्क इशू होगा। अब इसमें ब्लर हो दिख रहा है सर, क्या हो रहा, मेरे को भी ब्लर दिख रहा है सर। तो ब्लर दिख रहा है तो बनाया नहीं है, देखो ये ब्लर दिख रहा है सर। हाँ चलो अगला सुन, हाँ हाँ हो गया ना, अगला आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, सर अब ठीक हुआ जी, नहीं सर धर्मवीर ब्लर दिख रहा जी, धर्मवीर बोला नहीं सर, उसका नेटवर्क इशू हो सकता। देखो एरिया ऑफ लाइट बाबू इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब बाबू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू 1.5 विद एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ नहीं कर रहा, एक ग्लास स्लैब है बोला, किस तरह से ग्लास स्लैब है, हो सकता है ना, यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंस आ रहा, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना दिया, 1.5 दिया हुआ, ये नॉर्मल हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिले है पाई बटा 4 दिले, तो पाई बटा 4 का वैल्यू कितना होता, पाई बटा 4 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई जो होगा कितना दिया हुआ, पाई बाई 4 दिया हुआ, तो आई बराबर कितना 180 होता बटा 4 हो जाएगा, 45 बार में मर जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया है ना, और ये क्या कर जाएगा, दूसरा मीडियम में बेंड करेगा। तो आपको ये वाला एंगल निकालना, ये आर निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये, तो आपको नहीं अभी ना बताएं बाबू, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स ला लगाओगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, जिस मीडियम का निकालना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग ग्लास में जा रहा है ना, तो किसका लिखेंगे, अरे ऊपर एयर है, नहीं कुछ है तो ऊपर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो इस मीडियम का जा रहा है तो इसका क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस मीडियम में जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बाबू, ग्लास, यही लिखेंगे ना। ठीक नेक्स्ट बाबू, साइन आई, साइन कितना 45 डिग्री, आई बराबर 45 डिग्री है ना, बटा साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे ले 1.5 दिया हुआ, इसको 1.5 को इधर लाओ, साइन आर को उधर लेके जाओ,
तो साइन 45 डिग्री, अब 1/5 को इधर ले आकर बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई आर हो जाएगा। आपको बोल क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब यही आपको पूछ रहा है, यह साइन हो गया और आर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो साइन एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब साइन 45 का वैल्यू आपको बताइए क्या, वो साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 है ना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, बटा कितना हो गया 15/10 कह सकते हो, 1.5 को कैसे करोगे, 15/10 करोगे ना, बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। 10 ऊपर चल जा, 10 बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ये 10 उछल के ऊपर जाएगा ना जी, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो दिक्कत है, तो 7 बजे ज्वाइन करना, बताएंगे ये सब, बराबर साइन आर हो जाएगा। ये मारो मार धार करो, 5 से 3 और 5 से कितना 2 है ना, तो मार धार करो आ जाएगा आंसर, मतलब कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 है ना बाबू, और नीचे कितना है, √2 है और मल्टीप्लाई 3 हो गया, बराबर साइन आर हो गया। ऊपर 2 है तो नीचे एगो √2 है, ऊपर 2 है तो 2 का √2 नहीं लिख सकता है, नहीं बचपन में पढ़ाया गया है कि नीचे से √2 हटाएगा ना जी, तो ऊपर 2 को क्या लिखेगा, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 को क्या लिखेगा, √2 बराबर 2 होता है, और डिवाइडर बाई कितना हो गया, √2 हो गया, इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। √2 मर गया तो 2/√2/3 बच जाएगा, तो इसीलिए तो निकालना था साइन आर बराबर कितना, √2/3 तो गया सर, लेकिन बहुत गलत, जलेबी भी बन गया। चलो जिन देखो तो छत पे रूम तो है ही, शिवानी बोलिए दम उस वाला रूम नहीं है छत पे बाबू, शिवानी सबके घर में रहता है, घर में पुराने वाले घर में, अच्छी बात है। लिखो बाबू सर, अब छोड़ दीजिए ना सर। अच्छा ठीक, देखो इतना ही इतना, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन कलम बना के रखेंगे, नहीं तो इसके लिए वो पेज छोड़ देना, एक पेज लगिए जाएगा, एक पेज छोड़ के हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, कल रेयर डेंसर मीडियम पढ़ेंगे, इसको बता देंगे। ठीक है जाओ, बाय बाय बाबू। सर तो कल टेस्ट नहीं होगा इस बैच में बाबू, थोड़ा सा पढ़ाना है ना, वो सब बैच का होता है, इस बैच में टेंथ हो रहा है, सब का सैंपल पेपर के आधार पे लेंगे, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस खत्म करने दो। जिसको छूट गया रिकॉर्डेड भेज देंगे, देखना अपना। क्या सर छूट छाट गया तो रिकॉर्डेड देखना अपना, नहीं बढ़िया से दिखाई देता है जी।